एग्जिट करेंगे ना, इस गेट से एग्जिट करेंगे, इस गेट से एग्जिट करने के बाद। भाई देखो ये भैया हमें मिले हैं और यहाँ पे महाकाल टेम्पल के हमसे 20 रुपए सवारी ले रहे हैं और लेके जाएंगे कुछ उज्जैन की। दोस्तों जो इंटरसिटी है आप लोगों की ये खड़ी, और मैं जो जा रहा हूँ वो जा रहा हूँ जनरल क्लास से, तो जनरल में सीट अवेलेबल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं सौरभ और आप देख रहे हैं SY ब्लॉगर। ये जो ब्लॉग है ये बेहद ही खास होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं ये जो ट्रिप कर रहा हूँ महाकाल उज्जैन की कर रहा हूँ, दिल्ली से उज्जैन ओ बाय ट्रेन कर रहा हूँ। जो मेरी यात्रा रहेगी ये जनरल कोच में रहेगी, जो कि जनरल फेयर है 225 रुपए। और जो मैं गाड़ी जा रहा हूँ न्यू दिल्ली इंदौर इंटरसिटी से जा रहा हूँ, जो गाड़ी नंबर है 12146। तो मैं अंदर चलता हूँ, जो कि डेली रन करती है नई दिल्ली से लेके उज्जैन तक। तो मैं अंदर चलता हूँ और आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, और वीडियो एंड तक देखना, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये रहा दोस्तों एंटर गेट जो है, ये रहा एंट्री लिखा हुआ है, यहाँ से मैं अंदर जाता हूँ फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों जो हमारी ट्रेन है ना यहाँ पे लगी पड़ी है, मैं दिखा देता हूँ एक बार आप लोगों को। तो ये देखो इंदौर इंटरसिटी में दिखा देता हूँ आप लोगों को, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे लगी हुई है ये देखिए। और इसका जो जनरल कोच है वो आगे की साइड होगा, मैं चलता हूँ वहाँ पे आप लोगों को भीड़ भी दिखाता हूँ कैसी है। तो चलिए, पर मैं जो जा रहा हूँ वो जा रहा हूँ जनरल क्लास से, तो जनरल में सीट अवेलेबल है, काफ़ी खाली है। मैं आगे आप लोगों को चल के दिखाता हूँ। और ये स्टेशन देखो 4 नंबर स्टेशन है, जय श्री महाकाल। तो स्टार्टिंग में आप लोग देख सकते हैं जब दिल्ली से गाड़ी चली तो इतनी भीड़ थी। टाइम बजने को देखो कितने बज गए, काफ़ी लेट हो गया। मथुरा से यहाँ गाड़ी चल रही है काफ़ी टाइम पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोटा। ये सुबह सुबह का जो नज़ारा है, कोटा पहुंच चुके थे हम, और गाड़ी में एक बार अंदर की साइड भीड़ देखो। इस टाइम रश हो चुका था थोड़ा, और कोटा ये गाड़ी लेट हो गई थी राजस्थान क्रॉस करने में, क्योंकि धुंध की वजह से काफ़ी लेट हो रही थी गाड़ी। और मैं भी यहाँ पर बैठे बैठे कुछ सोच रहा था। और ये जो स्टेशन था, अब हम MP में एंटर कर चुके थे शामगढ़। ये नागदा जंक्शन था, नागदा जंक्शन में गाड़ी का आधे घंटे का स्टॉप होता है। यहाँ पे जो लोकोमोटिव है वो चेंज होता है, आगे से पीछे जाता है। यहाँ का लोकोमोटिव जब चेंज होता है उसके बाद की कुछ भीड़ देखो आधे घंटे बाद की, भाई ऊपर भी जगह नहीं बचती। तो ये जो नज़ारे बाहर के दिख रहे हैं आपको, ये नागदा क्रॉस होने के बाद के हैं, यानी कि उज्जैन बस आने वाला ही था 3
या 4 किलोमीटर बचा हुआ था। ये देखो दोस्तों, फाइनली जो इंदौर इंटरसिटी है, 4 घंटे लेट भाई आ गई फाइनली उज्जैन महाकाल। और चलता हूँ पहले बाहर की साइड, आप लोगों को फिर दिखाता हूँ। तो ये देखो फाइनली इंदौर इंटरसिटी यहाँ से रवाना हो, 1 मिनट का स्टॉप था इसका, 1 मिनट के बाद यहाँ से ये जा रही है। तो अब मैं इस प्लेटफॉर्म से बाहर चलता हूँ, स्टेशन से बाहर चलता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों अगर आप लोग उज्जैन आते हैं ना, तो यहीं से आप लोगों का एग्जिट गेट है। दोस्तों अगर आप लोग जैसे ही एग्जिट करेंगे ना, इस गेट से एग्जिट करेंगे, इस गेट से एग्जिट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को इधर की साइड से रिक्शा वगैरह भी मिल जाएंगे। और रिक्शा वगैरह 20 रुपये सवारी है यहाँ से महाकाल टेम्पल तक। और बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आगे देता रहूँगा, पहले किसी से रिक्शे की बात करता हूँ, रिक्शा पकड़ता हूँ, फिर चलता हूँ टेम्पल के आसपास। वहाँ पे आप लोग रूम वगैरह भी वहीं आसपास देख सकते हैं। और ये रहा देखो रोड एग्जिट होने का बाहर, तो बोलो जय श्री महाकाल। भाई देखो ये भैया हमें मिले हैं और यहाँ पे महाकाल टेम्पल के हमसे 20 रुपये सवारी ले रहे हैं और लेके जाएंगे कुछ उज्जैन की, महाकाल की नगरी कुछ ऐसी है आप लोग देखो। और आगे चलता हूँ मैं, पहले कोई धर्मशाला गेस्ट हाउस देखता हूँ, वहाँ पे फ्रेश वगैरह होना है, नहाना धोना है, उसके बाद दर्शन के लिए निकलेंगे। तो ये रहा, हमने यहाँ पे धर्मशाला ली एक, जो कि मेरे को 300 रुपये की पड़ी है। मैं आप लोगों को अंदर चल के दिखा देता हूँ, मैं नहाता धोता हूँ फिर निकलूँगा यहाँ से दर्शन के लिए, मेरी धर्मशाला। दोस्तों ये रही मैंने जो धर्मशाला ली है, ये ऐसा आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। और ये रहा रूम, तुम दोस्तों ये देखो ये रहा, और इसमें पानी वानी भी है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, तो मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, अभी यहाँ पे ना है ही सर्दी, तो सर्दी की वजह से आप लोगों को जो रूम वगैरह है ना थोड़े सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन भाई गर्मी में आओगे ना बहुत महंगा है यहाँ पे, जैसे कि मैंने लोकलों से बात भी की। और यहाँ का मैं नहाता धोता हूँ, उसके बाद एक ई रिक्शे वाले भैया से बात करूँगा कितने में पूरे सारे टेम्पल घुमाएंगे, और उसके बाद सारी पूरी प्रॉपर वीडियो दिखाऊंगा। और इस वीडियो का जो मेरा बजट था भाई, मैं 225 रुपये और प्लस 20 रुपये, यानी कि 245-250 रुपये में आप पूरा महाकालेश्वर टेम्पल आ सकते हैं। जय श्री महाकाल। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, अगला जो ब्लॉग आया ना उसको तो भाई पूरा देखना, क्योंकि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी सारे टेम्पलों की। और अगर आपको कोई फ्रेंड या कलीग्स आना चाहता है महाकाल टेम्पल के लिए, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करना।